अदिति टंडन जी बताना चाहेंगे कि अभी ओंकारेश्वर पांडे जी आ गए हैं स्क्रीन पे, जो कि इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट के चीफ एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संदीप मारवा जी जो कि एशियन एकेडमी इंस्टीट्यूट जो है आपके हैं और चेयरमैन हैं, और सुनील मित्तल जी जुड़ गए हैं। सुनील मित्तल जी सिम्स जो संस्था है मानसिक रोगों की, और डायरेक्टर हैं पैसिफिक वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के। सुनील, डॉक्टर सुनील मित्तल जी आपका स्वागत है। और रिंकल शर्मा जी जुड़ गई हैं जी, अदिति टंडन जी, जी जी। तो ओंकारेश्वर पांडे जी से हम ये शुरू करना चाहेंगे जी, ओंकारेश्वर पांडे जी से जी शुरू करना चाहेंगे। ये जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो जिस तरह से 30 मई 1826 से पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने इसे शुरू किया था, उदंत मारतंड जो अखबार था वो हिंदी में था, पहला हिंदी अखबार आया, उसके बाद राजा राम मोहन राय जी ने पश्चिम बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, और ये चलते चलते कैसे आजादी में किस तरह से पत्रकारिता ने मिशन पत्रकारिता की, महात्मा गांधी हो गए या तिलक हो गए, या आप ये देखिए कि अपनी कुर्बानी देकर भी पत्रकारिता करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम आता है, तमाम लोग कुर्बान हो गए, आजादी के बाद भी पत्रकारों ने एक अलख जगाई, और अभी आपदा काल में मीडिया कर्मियों की जो चुनौतियां होती हैं, तो उस पर आपसे जानना चाहेंगे। ओंकारेश्वर पांडे जी। धन्यवाद उदय जी। जैसा कल तय हुआ था, आपने कहा था कि शुरुआत भाई अरविंद सिंह जी करेंगे, अरविंद जी जुड़े नहीं हैं, उनको सुनने के लिए बैठा था, लेकिन चलिए, आपने इसकी एक पृष्ठभूमि बता दी है कि आज जो 30 मई है, पत्रकारिता दिवस है, इसको क्यों और कब से मनाया जा रहा है। उदंड मारतंड जो हिंदी का पहला अखबार 1836 में आया और पंडित जुगल किशोर जी ने उसको शुरू किया कलकत्ता से, तब से हिंदी पत्रकारिता हमारे देश में चल रही है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यूरोप में 1556 के आसपास पहला जो अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं वेनिस वहां से शुरू हुआ था, और एक गजट के रूप में, न्यूज गजट उसके रूप में शुरू हुई थी पत्रकारिता। फिर 1700 में समूचे यूरोप में शुरू हो गया, हमारे यहाँ भी 1780 में अगस्त हिकी ने उसकी शुरुआत करी थी। हिंदी पत्रकारिता को शुरू होने में हमें काफी वक्त लगा, 1826 में आके हम शुरू कर पाए, और हालात उस समय भी बहुत बुरे थे, अच्छे नहीं कह सकते हैं, बुरे थे उस समय। तो वैसे भी इस देश में अंग्रेजों का शासन काल था, और चूंकि हिंदी भाषी लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, जो अंग्रेजी के अखबार थे वो ज्यादातर जो है वो सरकार परस्त, या कहें कि जो मिशनरी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके समर्थन में कहीं ना कहीं रहते थे ज्यादातर, या उनके माउथ पीस होके रह गए थे, जो वो कहते थे वो छापते थे। तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत दरअसल इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन को एक आवाज देने की शुरुआत भी कह सकते हैं। दुर्भाग्य से उदंड मारतंड बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि उसको छापना और फिर जिलों तक भेजना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत महंगा था उस समय, पोस्ट के जरिए जो स्टैंप लगा के भेजा जाता था, बहुत विनती की गई सरकार से कि उस पोस्ट की कीमत कम कर दे, डाक टिकट की कीमत कम कर दे, ताकि उसको भेजा जा सके, लेकिन वो नहीं हुआ, और सिर्फ एक साल के भीतर भीतर उदंड मारतंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। लेकिन तब से ये आज तक का दौर जो चल रहा है, तमाम उतार चढ़ाव के बीच आजादी के आंदोलन को हमने एक तरह से खड़ा किया या उसको समर्थन दिया, उसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आजादी के बाद भी आज देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में जो भूमिका है वो पत्रकारिता की, एज ए संपूर्ण पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता के भी उसमें बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था, 2018 तक के आंकड़े आरएनआई के वेबसाइट पे आपको नजर आएंगे, तो करीबन 118,000 जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें रजिस्टर्ड है, और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या
अगर है तो वो हिंदी वालों की है, क्षेत्रीय की है, और अंग्रेजी की बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है। उसी तरह अगर आप सर्कुलेशन को देखेंगे, एक रफ डाटा जो कहा जाता है कि करीबन 45 करोड़ लोग पत्र पत्रिकाओं को इस देश में पढ़ते रहे हैं, अब वो फिगर एक दो करोड़ नीचे आ गया है, 42 करोड़ के आसपास आ गया है। उसमें भी बड़ी तादाद जो है वो हिंदी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने वालों की रही है, और वो करीबन 20 करोड़ के आसपास, 19-20 करोड़ के बीच जो वो उनकी तादाद रही है। तो ये रहा है। लेकिन आज जब हम इस कोरोना वायरस के जो दौर में, इस जो एक वैश्विक विपदा है, आपदा है, उसके दौर में जब हम मीडिया की बात करते हैं, और खासतौर से हिंदी मीडिया की बात करते हैं पत्रकारिता की, तो ये एक बहुत चुनौती भरा समय है और बहुत संकट का समय है। बड़े पैमाने पर अखबार बंद हो रहे हैं, जो छोटे अखबार हैं वो तो कब कहाँ कब काल कवलित हो जाते हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला भी नहीं होगा। खबर हम तब लेते हैं जब हमें बड़े अखबारों के संस्करण बंद होने की सूचना आती है, और वो भी कुछ इक्का दुक्का वेबसाइट्स के नजरिए माध्यम से आती है। तो हमें पता चलता है कि फलां अखबार के फलां संस्करण बंद हो गए, फलां जगह के ब्यूरो बंद कर दिया गया, फलां जगह का पूरा प्रकाशन ठप हो गया। एक तो ऐसे ही चुनौती है कि लॉकडाउन में अधिकांश लोगों ने पिछले दिनों एक र्यूमर उड़ा था, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, एक की अफवाह उड़ी थी कि साहब अखबारों के माध्यम से भी ये पैनडेमिक जो है वो बढ़ रहा है, और अखबारों के माध्यम से भी वायरस फैल सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकांश जगह पर खबरें आने लगी कि लोगों ने अखबार मंगाने बंद कर दिए। एक तो अखबार पहुंचाना मुश्किल काम था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो आप इमेजिन करिए कि जहां पर आप प्लेन से भेजने वाले थे, जहां ट्रेन से भेजने वाले थे, जहां पब्लिक बसों के माध्यम से जो जिलों तक अखबार पहुंचाया जाता है, वो तो माध्यम बंद हो गए। तो एक तो वैसे ही कमी आ गई। उसके बाद जब ये एक मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में आया कि साहब कोरोना वायरस इससे फैल सकता है, तो बड़े संख्या में लोगों ने अखबारों को खरीदना ही बंद कर दिया, मना कर दिया, मेरे यहाँ मत देना भैया, कल से मत देना। तो ये एक बड़ी चुनौती आई। बाद में उसको, उस अफवाह को झूठा साबित करने के लिए तमाम तरह के विज्ञापन, और वो भी प्रधानमंत्री के बयान के साथ विज्ञापन लगाए गए कि अखबार के माध्यम से वायरस नहीं फैलता है। तो कुछ उसमें राहत मिली होगी, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस विपदा ने जितना बाकी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया है, उसी तरह और उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मीडिया को भी पहुंचाया। अब ओंकारेश्वर पांडे जी, ओंकारेश्वर पांडे जी, हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं जरा आपको दो मिनट और लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा। जी जी जी। आज जो चुनौतियां मीडिया के सामने हैं और पत्रकारिता के सामने हैं, वो तीन तरह की चुनौती है। एक चुनौती है समाचारों को संकलित करने की, इंफॉर्मेशन को गैदर करने की और उसको पहुंचाने की, पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने की। दूसरी चुनौती उनके खुद के अस्तित्व की है, उनके खुद की सुरक्षा की है, जो स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। आपने देखा होगा खबरें कि कई अखबारों में कई तमाम लोग उससे, कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए, और एक जगह तो एक चैनल को पूरा बंद करना पड़ा, मतलब उनके ऑफिस को सील करना पड़ा। मुंबई में बड़े पैमाने पर खबर आई कि वहां पर लोग इससे प्रभावित पीड़ित पाए गए, और उनके एग्जिस्टेंस का भी खतरा हो रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तीसरी एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको यूनेस्को ने, वर्ल्ड बैंक, WHO ने और तमाम ने माना है कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन जो है, इसी दौर में जो है बड़े पैमाने पर जो चल रहा है, सो पैनडेमिक के अलावा डिसइंफोडेमिक भी जो है वो एक बड़ी चुनौती उभर के सामने आई है। ये हमारे सामने संकट है। उदय जी। जी, तो ओंकारेश्वर पांडे जी, इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट के चीफ एडिटर, जो चुनौतियों के बारे में आपने बताया, इसी वक्त जो है हम बताना चाहेंगे कि इस जो वेबिनार है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं संदीप मारवा जी, जो फिल्म इंस्टीट्यूट जो है आफ्टर उसके चेयरमैन हैं, और ग्लोबल मीडिया गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो अध्यक्षता करेंगे। और अभी क्वेश्चन आंसर हर वक्ता के बाद हम लोगों को लेने का प्रोग्राम है, तो रिंकल शर्मा को आमंत्रित करेंगे, ओंकारेश्वर पांडे जी से वो अपने सवाल पूछें। रिंकल शर्मा जी, नमस्कार ओंकारेश्वर जी। जी, हम आपसे जानना चाहते थे कि आज जो समय है, इसमें सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि जहां पर विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही आसान हो गई है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समस्या लोगों के सामने आ रही है कि खबर की जो मौलिकता है उस पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे क्या मापदंड हो सकते हैं जिन पर एक आम आदमी भी ये जान सके कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी ये फेक है? आप बहुत सही कह रही हैं, ये एक सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है कि आज लोगों को एक सोशल मीडिया एक बड़े सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में सामने आया है। और अगर देखें तो कई जगहों पे 60% तक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं ले रहे हैं, और उसमें भी जो डिस इंफॉर्मेशन है या जो फेक है या जो गलत सूचनाएं हैं वो भी उतने ही बड़े पैमाने पर मिलियंस की संख्या में जो है वो खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों बूम लाइव जो कि एक फैक्ट चेकर एजेंसी है इंडिया की, उसने पिछले 3 महीनों का विश्लेषण किया तो उसने 178 मामले ऐसे पाए जिसमें एकदम से गलत खबरें जो है वो चलाई जा रही थी, और वो सोशल मीडिया से चलते चलते कई बार वो मेन लाइन मीडिया में भी आ जाती। तो सोशल मीडिया के जितनी तेजी से उभार हुआ है और जितनी तेजी से इसका प्रसार हुआ है स्मार्टफोन के जरिए, उतनी ही तेजी से इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और यही जो है हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया वो एक क्रेडिबल मीडिया के रूप में सामने आता है, क्योंकि एक बेसिक फर्क समझिए कि जो भी मेनस्ट्रीम मीडिया है खासतौर से प्रिंट मीडिया, वहां पर एक 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 सिस्टम ऐसा है, प्रोसेसिंग का दौर ऐसा है कि जहां वो रिपोर्टर खबरें भेजेगा, सब एडिटर उसको चेक करेगा, न्यूज एडिटर उसको देखेगा और फाइनली एडिटर उसको देख के पब्लिकेशन के लिए भेजता है। तो वो जिस प्रोसेसिंग से गुजरता है वो एक तरह से सैनिटाइज होके गुजरता है। सोशल मीडिया में जो खबरें बिना सैनिटाइज किए हुए आ रही हैं वो उसी तरह घातक हैं जैसे कि ये वायरस घातक है। तो आज जरूरत है कि हम सोशल मीडिया के भी खबरों को सैनिटाइज करके पढ़ना सीखें, देखना सीखें और फॉरवर्ड करने से पहले तो 1000 बार सोचें। लेकिन इसमें बात सर वही आती है कि आम आदमी कैसे तय करेगा, क्या इसके लिए भी सेंसरशिप होनी चाहिए? नहीं, सेंसरशिप के पक्ष में मैं कतई नहीं हूँ। इसके बारे में अभी ICF इंटरनेशनल काउंसिल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का जो एक रिपोर्ट भी आई है कि ग्लोबल तौर पर, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये विश्व स्तर पर समस्या है और विश्व स्तर पर इसके लिए लोग एक उपाय सोचते हैं कि इस पे कोई कर्ब लगाया जाए, किसी तरह का रेगुलेशन लगाया जाए। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है ICFG ने कि बजाय इसके कि आप उनको पनिश करें या कर्ब लगा दें, क्योंकि इनडायरेक्टली उस पे कर्ब लगाने का नुकसान मेनस्ट्रीम मीडिया को होगा, और मेनस्ट्रीम मीडिया पर कर्ब लगाने का मतलब कि डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। तो आप ये रिस्क नहीं उठा सकते, आप आवाज को बंद कर देंगे एक सर्टेन किस्म की आवाजों को तो आपके पास सच आना बंद हो जाएगा। बजाय इसके जो क्रेडिबल मीडिया है, जो तथ्यपरक पत्रकारिता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उनके लिए इस तरह के पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए जिसमें कोई शर्त ना हो। उनको अच्छी पत्रकारिता को अगर आपको बढ़ावा देना है, अगर लोकतंत्र आपके दिमाग में है तो अच्छी पत्रकारिता को आपको खुल के आगे बढ़ावा देना होगा। बहुत तो अब आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी जो आई है, आज मीडिया कर्मियों को रिस्क भी लेना पड़ रहा है, घर परिवार में भी दहशत का माहौल आ जाता है। लेकिन दहशत का माहौल अभी देखिए, सोमेन कोहली जी ने बताया वो पश्चिम बंगाल से हैं और वहां पे जिस तरह से अम्फान जो तूफान आया उससे बहुत नुकसान हुआ, फिर भी मीडिया कर्मी वहां पहुंचे। अभी देखिए कल रात में जिस तरह से भूकंप आया तो दहशत तो फैल जाती है, लेकिन मीडिया कर्मियों को जाना पड़ता है, कवरेज दिखानी पड़ती है, समाचार और सूचना साझा करना पड़ता है। ये मीडिया कर्मियों का कर्तव्य भी है और जनता को सूचना पहुंचाते हैं। लेकिन जो तनाव आ जाता है, मीडिया कर्मी अपने जीवन शैली को कैसा रखें, ये एक अहम सवाल है और यही आपदा काल में मीडिया कर्मियों की चुनौतियों पर जो मानसिक अवसाद न आए और जीवन शैली सही तरीके से चले, तो ऐसा क्या होना चाहिए? जो तो हम डॉक्टर सुनील मित्तल जी जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं और सिम्स के चेयरमैन हैं और डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, काफी अनुभवी हैं और आरजेएस फैमिली में हैं, आरजेएस के कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील मित्तल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी उदय जी। तो जो अभी जो ये चर्चा हुई और जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा कि जो बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं इस समय जो आ रही हैं इस आपदा में मीडिया के सामने, वो कुछ तो आपदा से जुड़ी हैं और कुछ जो बात जैसे अभी हुई जो मैं
उसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि कुछ उसके इकोनॉमिक डाउनटर्न से जो भी जुड़ी हैं, जो अखबार या जो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बंद हो रहे हैं या बंद होने की जिनकी स्थिति आ सकती है, तो उस सब के तो चैलेंजेस हैं ही, पर तो एक अहम बात हो जाती है कि जैसे कि आरजेएस का जो उद्देश्य है कि एक सकारात्मक मीडिया का, तो पहले ही अगर एक हम समझें कि एक निष्पक्ष और सकारात्मक रिपोर्टिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऊपर से जब वो चैलेंज जुड़ती है एक आपदा के साथ, वो भी जैसे जो कोरोना वायरस के जो आपदा है, जो इस समय पैंडेमिक जो है, और जैसा कि अभी ओंकारेश्वर जी ने कहा कि जिसमें डिस इन्फोडेमिक भी एक जो है जो फैलता है, और साथ ही जो फेक न्यूज का जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो सोशल मीडिया पे फैलता है, उसका जो इम्पैक्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उन पर, या साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो ऑडियंस है जो उन पर, तो वो जो इम्पैक्ट है उसका असर कुल मिलाकर सब कार्यकर्ताओं पे पड़ता है। और इसमें अगर हम देखें तो तीन प्रकार से जो मानसिक जो जो पर्सपेक्टिव है वो जुड़ता है। पहला तो यही कि जो मीडिया कर्ता जो है जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी जो अपनी चिंताएं हैं, जो जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो एक जाहिर है कि एक इंसानी तौर पर, एक ह्यूमन तौर पर जो एंजाइटी है। हेलो, चलिए आ रही आवाज जी, आ रही है। तो जो एक जो ह्यूमन एक जो एंजाइटी है वो तो है ही, वो अगर हम किसी हेल्थ केयर वर्कर की कहें या हम पुलिस कर्मचारी की कहें, तो जो मीडिया पर्सन जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है, जो फ्रंट लाइन पर है, उसकी जो अपनी एंजाइटी है, एग्जिस्टेंस की एंजाइटी है, जो फियर ऑफ डिजीज की एंजाइटी है, और साथ ही एक ऑनेस्ट और एक एक्यूरेट रिपोर्टिंग की जो एंजाइटी है, डेडलाइंस की एंजाइटी है, कॉम्पिटिशन है, ये सब कुछ है, और इसमें एक्सपोजर है। क्योंकि अभी तक जो मैंने इमेजेस देखी हैं उसमें कहीं पर जो मीडिया जो करता है, जो कि जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो पीपीई में नहीं है और वो बहुत क्लोज जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे अगर वो एक वॉर जैसी आपदा में रिपोर्टिंग करता है, उसको रिस्क है, उससे कहीं ज्यादा रिस्क इस समय जब वो कोरोना वायरस के पैंडेमिक की रिपोर्टिंग कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत एक गहरा जो उसका असर है, जो हर व्यक्ति के जो मन पर पड़ता है, उसका जो मानसिक जो तनाव है वो बढ़ता है। सेकेंड जो बात जुड़ जाती है वो है कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कितनी सेंसिटिविटी से कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में रिपोर्ट की जा रही है या जिसके जो जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसका अपना तनाव है, और उसके लिए सेंसिटिविटी रख पाना अपने फियर को ओवरकम करके, वो एक चैलेंज, और उसके लिए भी बहुत एक इंटरनल जो मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। और तीसरा जो है, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है जो समाज पर, जो आपकी ऑडियंस है, रीडरशिप है, व्यूअरशिप है, जो उस पर जो इम्पैक्ट है, ये वहां पर फियर ना पैदा हो, पैनिक ना पैदा हो, और इस तरह की रिपोर्टिंग जो कि बैलेंस हो सके, इसका भी जो तनाव जो प्रेशर है उसको रखना है कि सेंसेशनलाइज नहीं करना, एक्यूरेट रिपोर्टिंग चाहिए। क्योंकि अगर हम जो जर्नलिस्टिक जो एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड वाइड जो मैं भी देख रहा था, वो ये थे कि जब भी आपदा होती है, अगर डिस्टेंट है तो थोड़ा सेंसेशनलाइज होता है, जब अपने ऊपर बीतती है, आपदा बहुत करीब आ जाती है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी शुरू होती है, और क्योंकि वो एक्यूरेट है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो जो मीडिया कर्मी जो हैं, वो उनके लिए ये अहम हो जाता है कि वो जैसे डॉक्टरों के साथ स्टिग्माटाइज हुआ है। मैं जानता हूँ एक मीडिया कर्मी मेरे पास आए, वो उन्होंने जाकर किसी अस्पताल में जाकर रिपोर्टिंग की, और उनके अपनी जो सोसाइटी है वहां पर उनको ऑस्ट्रेसाइज किया गया, एक स्टिग्मा हो गया कि ये तो उस अस्पताल में जाकर रिपोर्टिंग करके आए, ये तो हर जगह पे नजर आ रहा है, और उनको घर पहुंचने में कठिनाई थी। तो ये जो तनाव है, वो बोले कि भाई मैं रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ, मेरी क्या गलती है, मुझे अपने घर में, मुझे अपनी सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल रही, एंड और उसको वो पब्लिसाइज भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि साथ को ये भी फियर है कि मैं पब्लिसाइज करता हूं तो कल अगला असाइनमेंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ी है, और इस चीज को समझना कि हाँ कोविड 19 के साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और उसके साथ जो अगर और वो खुद, क्योंकि वो एक अपने मानसिक तनाव के लिए मदद के लिए आए, तो मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा जुड़ा है वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ये जो स्टिग्मा जो दोनों चीजों के साथ जुड़ जाता है ये बहुत गहरा है। साथ ही ये वैसे ही जब डेडलाइंस और रिपोर्टिंग होती है, तो मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट जो मेरे मित्र भी हैं और जो मैंने आरजेएस में देखा है, वैसे तो देखा है कि बहुत
बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत टेंशन भरी लाइफ है, और उसके साथ जब आप एक फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं तो टेंशन बढ़ता है और वर्क को और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान है कि वर्क लाइफ बैलेंस रखिएगा, पर वो एक मीडिया कर्मी का जो कि जब वैसे ही जैसे एक डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर है जब वो फ्रंट लाइन में काम कर रहा है और वो घर नहीं पहुंच सकता है, उसको क्वारंटीन में जाना, मीडिया कर्मी के लिए भी वही चीजें साथ साथ जुड़ जाती है और दे आर नॉट बाय ट्रेनिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसके लिए वो उनको ट्रेनिंग नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर पुलिस को ट्रेनिंग है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अब जो अगर मीडिया जो कि एक इस तरह की रिपोर्टिंग जो आपदाएं मैं समझता हूँ आएंगी और भी, तो वो एक रेजिलियंस जो है तो हर जो एक मीडिया कर्मी में है रेजिलियंस, उसके लिए एक तैयारी जरूरी है। फिर ऑफिशियल गाइडलाइंस है, साथ ही ये समझना कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखना सबसे पहले जरूरी, शारीरिक स्वास्थ्य हो और मानसिक स्वास्थ्य हो, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप कोरोना से नहीं बच सकते, एक्सपोजर भी हो रहा है। और जो उससे बचने के लिए तो जरूरी है कि बहुत सिंपल सी सलाह लगती है कि आप एक न्यूट्रिशियस बैलेंस खाना जरूर खाएं, प्रॉपर नींद जरूर लें, आप एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, और जो भी तनाव को कम करने के लिए जो आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक वो मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स का नेटवर्क बहुत जरूरी है, जैसे कोई भी संस्थाएं हैं जो कि नेटवर्क ऑफ सपोर्ट बहुत जरूरी है, जहां पे आप खुल के अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना स्टिग्मा के, डर के। एक और ये भी हो सकता है जरूरी, हर व्यक्ति जो है वो अपना ट्रिगर पहचान सके कि मुझे मेरी क्या कमजोरी है, किस चीज से मुझे डर लगता है, मैं मुझे कब एंग्जाइटी होती है, और उसके लिए वो एक प्रॉपर स्टेप ले सके। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्सटेंसेस अल्कोहल टबैको इस समय बचना उससे और आवश्यक हो जाता है। तो ये सब चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो मीडियाकर्ता जो है और इस आपदा में बहुत आगे बढ़कर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम निभा रहे हैं। जी डॉक्टर सुनील मित्तल जी, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। उमेश जी अगर जुड़े होंगे, उमेश जी आप हैं? उमेश जी, डॉक्टर सुनील मित्तल वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, सवाल अगर लेना चाहें। रिंकल शर्मा जी, उमेश जी, जी नमस्कार डॉक्टर साहब। अभी आपने जो बात कही कि योद्धा जो हमारे मीडिया कर्मी है एक योद्धा की तरह जाते हैं, और उनके लिए आपने कुछ टिप्स भी दिए कि प्राणायाम करें, न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें, लेकिन परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे तूफान आए, चाहे युद्ध हो, कहीं मीडिया कर्मी को तो निकलना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो सिर्फ उसकी सुरक्षा और उसकी सेहत को लेके वही नहीं, उसके जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि आरजीएस परिवार हमेशा परिवार को साथ लेके चलता है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि घर में माँ बाप है, पत्नी है या बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तनाव हो जाता है, वो भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं जब एक मीडियाकर्मी बाहर इस तरह के हालातों में, विषम परिस्थितियों में जाता है, तो वो परिवार कैसे तनाव मुक्त हो सके? रोजमर्रा के जीवन में ऐसे क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो कम से कम फैमिली भी टेंशन फ्री रहे, और वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। बहुत मुश्किल, ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है, कठिन घड़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो मीडिया कर्मी हैं जो जाकर रिपोर्टिंग आपदा की करते हैं, फ्रंटलाइन वॉर की हो, तूफान हो, सुनामी हो, या और कोई वॉयलेंस भी होती है, सोशल वैसे हो जाती है सामाजिक तौर पर, तो वो अपने आप को रिस्क तो लेते हैं, वो रिस्क उनका उतना ही है किसी और का जितना रिस्क है जो वहाँ खड़ा हो मौजूद हो। तो फैमिली का टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होना बहुत लाजमी है, और ये मैं समझता हूँ कि एक रेजिलियंस जो परिवार में है तो इस चीज में बातचीत होनी आवश्यक है। अगर किसी के स्पाउस, उनके हस्बैंड वाइफ चिंतित हैं, बच्चे चिंतित हैं, उसको एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो उसमें एक सोल्यूशन निकलता है, और वो बात करें तो आमतौर पर हम सबके प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं, और वो आपस में एक नेटवर्क ऑफ सपोर्ट जो बहुत जरूरी है, जहाँ पे वो बात कर सकें, एक दूसरे की बात को समझ सकें, कहें कि मैं मौजूद हूँ आपकी मदद के लिए, वो एक बहुत ही। डॉक्टर सुनील मित्तल, मेरा एक आपसे सवाल है। थैंक यू। नहीं, अच्छा, हाँ, ठीक है। सवाल थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है कि इन हालातों में, शायद आपने पढ़ा हो, इंदौर में एक फिल्म टीवी एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली,
एक मुंबई में किसी एक एक्टर ने आत्महत्या कर ली, क्या ये पेंडेमिक की सिचुएशन क्या लोगों को इस हद तक ले जाती है कि आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं? बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा गया है जिन्होंने सुसाइड की है, जो कि फ्रंटलाइन पे काम करते रहे हैं, और जो ह्यूमन सफरिंग देख लो, सिर्फ अपना डर नहीं है कि मुझे हो जाएगा, एक ह्यूमन सफरिंग को देखना इतने पास से, और आप लाचार होके देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लोग मर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो इम्पैक्ट, जो ट्रॉमा है, वो इतना गहरा सदमा है कि यस, कि उसमें एक अक्यूट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और जो ऐसा भी होता है कि सुसाइड थॉट्स, सुसाइड भी हो सकती है, और ये इसलिए जरूरी है कि एक नेटवर्क हो जहाँ पे वो बात कर सके, हम पहचान सकें कि हाँ इस व्यक्ति को अवसाद है, एंग्जाइटी है, और वो बेहिचक होकर कि उसको स्टिग्मेटाइज किया जाएगा कि वो मेंटली वीक है, अपने कार्य के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो खुल के बात कर सके और उसको सपोर्ट मिल सके। एंड आई थिंक जैसे आरजीएस परिवार है, आपका इंस्टीट्यूट है, और जो संस्थाएं हैं वहां पर इस तरह का एक आई कांट से कि हेल्पलाइन, पर एक ऐसा अवेलेबिलिटी हो सकती है कि जिनके जरिए जो मीडिया कर्मी हैं जिनको इस तरह की जरूरत है वो बात कर सके। और आई थिंक एक जो पॉजिटिव डिलीवरेबल निकलता है कि आरजेएस और जो एशियन एकेडमी है कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प इन दैट। जी, अब अदिति टंडन जी आप अगर हैं, अदिति टंडन उदय जी मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ बताएं, आप डायरेक्ट आ जाएं, महिलाओं की जो चुनौतियां होती हैं आपने खुद ही देखा है, तो आपदा काल में किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा उसके बारे में बताएं, दो मिनट। पहले आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगी, मैं अदिति मैम का नेट इशू लग रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ संदीप मारवा साहब जी, बताइए। संदीप मारवा साहब, हाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा काल है और इसमें जो मीडिया कर्मी हैं वो कई आप मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज चलाते हैं, रोजगार है नहीं, इंस्टीट्यूट वगैरह से पढ़कर आदमी किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है? पहले ये आपको किसने कह दिया कि रोजगार नहीं है? क्योंकि मीडिया संस्थान बंद होते जा रहे हैं। अरविंद जी जय हिंद, अरविंद जी आ गए हैं जी, बुलवा लीजिए अरविंद जी को। चलिए, आदेश हुआ है, संदीप मारवा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप बोल लीजिए अरविंद जी, दो मिनट। पहले अध्यक्ष जी यानी मारवा जी को बहुत नमस्कार और सभी साथियों को बहुत नमस्कार, और मैं शुरू वहीं से करूंगा क्योंकि अभी जो मारवा जी से आपने सवाल जो पूछा तो बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मीडिया की जो चुनौतियां हैं इस समय वो कोरोना की चुनौतियों के अलावा रोजगार की भी एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती केवल और केवल मीडिया की जो है कुछ और खास आईटी सेक्टर की हो, ये ऐसा नहीं है। ये जो इतना विशाल पलायन हम लोग देख रहे हैं ये भारत के इतिहास का एक अनूठा पलायन है, जिसमें पिछले एक महीने से लगातार रेलगाड़ी ढो रही है और लोक निगम राज्य सरकारों ने बसें लगा रखी हैं इसके बावजूद, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को जिनका ये दावा था कि बहुत ज्यादा प्रगति उन्होंने की है, उनकी आंखें खुल रही है इस समय कि कितने लोग इनके गए हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकारों के पास कोई आंकड़ा नहीं है, किसी भी राज्य से कितने लोगों ने पलायन किया है इसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं, इंक्लूडिंग मीडिया हमारे पास भी नहीं है। तो ये जो चुनौतीपूर्ण दौर है उसमें मीडिया का इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, क्योंकि एक तो ये है कि पहले जितने पलायन हुए उससे बहुत अलग किस्म के पलायन हो रहे हैं, जैसे आप लोगों में कुछ को याद होगा कि मुंबई में स्काई लैब गिरने वाला था, स्काई लैब जो है एक उपग्रह गिरने वाला था मुंबई में, उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोग भाग करके आ गए थे, सूरत में प्लेग की घटना के बाद आए,
और टुकड़ों टुकड़ों में जब जब खास तौर पर पंजाब में जो है आतंकवाद का एक नया दौर चला उस समय भी लोग आए, लेकिन इस तरह का जिसको आप कहिए कि पूरे अखिल भारतीय स्तर का पलायन, ये हम पहली बात देख रहे हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि बात केवल इतनी नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं, मीडिया इसमें एक पक्ष है, और मीडिया भी अकेले पक्ष नहीं होता, मीडिया के साथ सरकार जुड़ी होती है। सरकार ने सूचनाओं को ढंग से देने का काम नहीं किया, और इसके नाते जो हाइप क्रिएट हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज्यादा हाइप क्रिएट किया, जो प्रिंट मीडिया है उसने थोड़ा संयत तरीके से काम किया है। और हमको लग रहा है कि अब ये समय ये है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे वहां से आगे कि अगर आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि आत्महत्याएं रूरल एरिया में काफी हो रही हैं इस बीच में, और अभी आज का आंकड़ा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, 10 मजदूर तो ट्रेनों में मर गए हैं, जो है सॉरी 80 मजदूर जो है ट्रेनों में मर गए हैं, ये आधिकारिक आंकड़ा है, और 100 से ज्यादा का आंकड़ा है जो ट्रेन के अंदर मर गए हैं, और ये मौतें जो है सीधे सीधे जो है मिसमैनेजमेंट, भूख और प्रॉपर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे पाने का नतीजा है। तो ये सब अपनी जगह है, उसमें जो कोरोना वॉरियर्स की तरह जो मीडिया के लोग काम कर रहे हैं बाहर फील्ड में, वो सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ बात करने वाले। सुधीर मारवा जी, वो आपने अरविंद जी को कहा था, तो अरविंद जी ने कहा कि रोजगार जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट जो है वो अब पढ़ाई की दिशा क्या होनी चाहिए और किस तरह से ये रोजगार उन्मुखी हो सकती है, ये मास कम्युनिकेशन वगैरह इंस्टीट्यूट के कुछ गाइडलाइन दीजिए हमारे नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए। 30 मई है, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, आज के इस शुभ अवसर पे यहाँ पर उपस्थित पहले सभी हिंदी पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और आज के दिन ये प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन बार बार आए और हम लोग हिंदी पत्रकारिता को बार बार प्रमोट करें। हिंदी पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने में जरूरी बात है, हम भूल नहीं सकते हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा हाथ है, और हिंदी के जितने भी पत्र और पत्रिकाएं हैं उनका तो हाथ है ही, और शायद यही वजह है कि आज हिंदी इस मात्रा में इतने सारे लोगों के बीच में बोली जाती है। बहुत सारी बातें मैंने सुनी, डॉक्टर सुनील मित्तल ने बहुत खूबसूरत बोला, अंकुशर साहब ने बहुत खूबसूरत बोला, मन्ना साहब ने शुरुआत बहुत अच्छी की। पहले तो ये दो लाइनें सुन लीजिए कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। वाह क्या बात है। कोविड-19 नहीं देखा था, पिछले 100 साल का इतिहास है कि हर 100 साल के बाद एक महामारी आती है, 1720 की, 1820 की, 1920 की, और अब 2020, और इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं आने वाले 100 साल के बाद भी महामारी होगी, क्योंकि जनता इतनी पढ़ चुकी है, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, हर कुछ करने के लिए डिजिटल मीडिया ने बहुत बड़ा हाथ निभाया और साथ निभाया है, ये सब स्टोर में जा रहा है, रिकॉर्ड में जा रहा है। आज हम आवाज नहीं है, आज हम लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद आवाज नहीं आ रही मेरी, आ रही सर। हाँ, आज के 100 साल के बाद जो महामारी होगी तब शायद लोगों को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा जितना आज हम लोग सफर कर रहे हैं। कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई तैयार नहीं था ऐसी महामारी के लिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वुहान से निकलने के बाद ये वायरस दुनिया को अपने घेरे में है जुड़ा हुआ। और आज ये आलम है कि हिंदुस्तान से ज्यादा वो लोग घायल हैं, वो देश घायल हैं जो अपने आप को दुनिया के सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले। का नंबर लेके फोन कर, लिंक भेजना है। उदय मन्ना जी, आपकी आवाज बीच में, आपकी आवाज बीच में। तो मैं पहले तो कंटिन्यू कीजिए सर। संदीप मारवा जी, पुलिस फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और हमारे जितने पत्रकार हैं उनका तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी जान हथेली में लेकर और हमारे देश को इस खूबसूरत तरीके से इस महामारी से बहुत हद तक बचाया है। 130 करोड़ का मुल्क है, और जहां तक WHO की फिगर्स आ रही हैं
वो कहते हैं कि 50 करोड़ लोग संक्रमित हो सकता है, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्या हो सकती है, ये इतना खतरनाक वायरस है। लेकिन उसके बाद अब तक सब ने मिलकर हम लोगों ने इस अपने देश को महामारी से बचाने की कोशिश की है, लेकिन अनपढ़ता इतनी ज्यादा है इस मुल्क के अंदर कि लाख बोलने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए। बार बार बोला गया था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कम से कम जो जिसे सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम का जो नारा लगाया गया था वो पूरा नहीं हुआ, खिलाड़ हुआ गया। इस महामारी के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली गई, लोगों ने षड्यंत्र रचे और इस आज की सरकार को फेल करने की भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से बदनाम किया जाए। लोगों ने इस बात का भी यकीन नहीं किया कि इस वक्त पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए और इस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, सेहत है तो सब कुछ है। प्रधानमंत्री ने भी टेलीविजन पर आकर बार बार बोला कि जान है तो जहान है, और 40 दिन के बाद आकर फिर जो है नारा बदला गया कि जहान है और जहान भी है, क्योंकि बेताबी बढ़ गई थी, लोग बेचैन हो चुके थे। पत्रकारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जहां तक हमारे इस पूरे फील्ड की बात आती है, मैं समझता हूं कि हमारे पत्रकारों ने, पत्रिकाओं ने, पत्रों ने एक बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। शायद ही कोई ऐसा मीडियम, चाहे वो प्रिंट हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, न्यू मीडिया हो, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से लोगों को आगाह करने की, इस वक्त आपको अपनी जान बचानी है और ये कुछ नियम बांधे गए हैं जिससे आप इससे बचे रह सकते हैं। तो मैं पूरे मीडियम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद संदीप मारवा जी। कभी फिर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। और अभी अरविंद कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं जी, है ना? हाँ, अरविंद कुमार सिंह जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे थे रोजगार की बहुत स्थिति आ गई है, एक्चुअली आपदा काल में बहुत सारे मीडिया संस्थान बंद हो गए हैं, सरकार की तरफ से कोरोना योद्धा कहा गया पहले संबोधन में, राष्ट्र संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन उसके बाद जब 20 लाख करोड़ आया उसमें पत्रकारों को कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई। इससे पत्रकार जगत बहुत ही उदास है और पत्रकार एसोसिएशन भी बहुत से लग के इस पे काम कर रहे हैं, बल्कि पंकज कुलश्रेष्ठ की डेथ हुई है कोरोना से, लेकिन मुआवजा और उसके बारे में उनके परिवार की देखरेख के लिए कुछ भी नहीं। दूरदर्शन के योगेश जी को भी बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई डेथ होने के। तो इस तरह की अभी हिंदी खबर के एक और पत्रकार की सुसाइड कर लिए। ये आपदा काल मीडिया कर्मियों के साथ है, 2 महीने से तो फ्रीलांसर हैं, उनके तो क्या सरकारों को आगे नहीं आना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगे इसमें नहीं आना चाहिए? आप वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिए सर, मेरे यहाँ से हो नहीं रहा। ठीक है, अब आवाज आ रही है? जी, हाँ, जी। आवाज आ रही है सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा मना जी और आरजेएस परिवार के सभी साथियों को, अभी मारवा जी ने बधाई दी सबको, और प्रधानमंत्री जी ने भी जितना बार संबोधित किया है उसमें कोरोना वॉरियर्स हम लोगों को माना गया है, बधाई बहुत सारे जगहों से दी गई है। लेकिन पत्रकार सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे ज्यादा जिसको कहिए कि चिंताजनक वातावरण के बीच में काम कर रहे हैं। तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि मास्क पहन के ही उनका काम चल रहा है, चाहे जटिल से जटिल इलाकों में वो जा रहे हों, और ज्यादातर ऐसे हैं जिनको कोई बीमा का कवर नहीं है। राज्य सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, भारत सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है, और जो पैकेज बनाया गया है उस पैकेज में पत्रकार कहीं शामिल ही नहीं है। जबकि अगर आप इस बीच में बात करेंगे तो 3 तरह के पत्रकार हैं। एक तो ये हैं जो पहले से ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ढंग के जगहों पर काम कर रहे हैं, आप उनको जो गवर्नमेंट मीडिया है वो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया में है। उसके अलावा जो दूसरा पक्ष है कि जो बाकी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
उनमें बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें कम होनी शुरू हो गई हैं, कटनी शुरू हो गई हैं, कई लोगों को हटा दिया गया। और तीसरा क्लास जो ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाला क्लास है, वो सबसे ज्यादा सफर किया है। तो इस समय जरूरत ये थी कि उनको कई तरह से मदद करने की जरूरत थी, और उसमें मैं लेखकों को भी शामिल कर रहा हूँ जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले जो लेखक हैं, क्योंकि अंतोगत्वा जब आप जागरूकता की बात करेंगे और बात करेंगे तो उसमें इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अदिति जी हैं कि नहीं पता नहीं, इस समय मुझे नहीं मालूम इस समूह में चर्चा में, लेकिन उनसे भी सुनना चाहेंगे क्योंकि वो एक बड़े संगठन से जुड़ी हुई हैं। तो इस समय हम लोग जिसको कहें कि पत्रकार के बारे में सोचा नहीं गया, और हम लोगों की ओर से लगातार इस बात की अनुरोध भी सरकार से किया गया है कि नहीं, जो इसमें भी सबसे ज्यादा हाशिए पर खड़े हुए जो लोग हैं, जो तमाम बुजुर्ग पत्रकार हैं जिनका जिनके जीवन यापन का उस तरह का कोई जरिया नहीं, उनको समर्थन देने की जरूरत है। और उसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें दो तीन चीजें जो है उनके बारे में, उनके बारे में सोचे और उनको कवर भी दे, और उसके अलावा उनको उनकी आजीविका की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको बहुत ज्यादा जो है उनको बदल, लेकिन जिंदा रहने में मदद करने में सरकार को आगे आने की जरूरत इस मामले में। मन्ना जी, ये एक बात तो ये है। दूसरा ये है, जो कोरोना वॉरियर जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा कवर होना चाहिए। आपने नाम लिया जो है कुलश्रेष्ठ जी का, आप ये समझ करके कर लीजिए, मतलब आप ये समझिए कि FCI का जो लेबर भी है ना, उसको भी कवर मिला हुआ है। आपको मैं बताऊं, जो इस समय बंदरगाहों पर जो मजदूर ढुलाई का काम कर रहा है, उसको 50 लाख रुपए का कवर मिला हुआ है। आप कम से कम इतना दे दीजिए कि उसका परिवार, जो आदमी काम कर रहा है जन जागरूकता के प्रसार में काम कर रहा है, उसको मानसिक तौर पर इतना तो कम से कम संतुष्ट रहे कि उसे बाकी चिंता न रहे, वो अपने सुरक्षित वातावरण में। डॉक्टर साहब ने जो कहा, लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जितना सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग साथ में हैं, उनके घर परिवार है, अगर वो सुरक्षित होते हैं, अगर वो उनके साथ कोई खतरा बढ़ता है, वो नहीं रहते हैं, तो आखिर कुलशेष जैसा जो हाल हुआ है जिसमें सब लोग चिल्ला रहे हैं, इसके बाद भी अभी ये सुनाई पड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए देने की बात कही है, तो भिखारी तो नहीं है हम लोग ना, हम लोगों का भी समाज में उतना बड़ा योगदान है, इस बात को महसूस करना चाहिए। पत्रकार कोई भिखारी नहीं है, उसका समाज में जागरूकता में सबसे बड़ा योगदान है। और जैसे मारवा साहब ने कहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको ले आकर के लाद दीजिए किसी चीज से, लेकिन अगर उनका योगदान है तो उनके प्रति कोई ना कोई जवाबदेही जो है राज्य सरकारों की और भारत सरकार की भी बनती है। कुछ राज्य सरकारें उड़ीसा है या बंगाल है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में एक आध सरकारें सामने आई हैं जो ध्यान दे रही हैं। मेरा निवेदन है कि पूरे भारत में हर राज्य सरकारें और भारत सरकार इस बात को सुने, पहल करे। और आज एक और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों का हिंदी पत्रकारिता दिवस है, और ये बड़ा, आपने जो दिन चुना है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, और मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि अकेले हिंदी से काम चल रहा है। हिंदी और सारी भाषाएं, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, उनको विकास उनका हो, उनमें उनके अपने अपने मौके हैं। ये सारे जो मीडिया संस्थान है वो सब चरमरा रहे हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आर्थिक तौर पर वो संस्थान थोड़े से सक्षम होंगे, और इस समय कोई और मदद करने नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिए कि इस समय सबसे बड़ी मददगार अगर कोई होगी तो सरकार होगी, भारत सरकार होगी, राज्य सरकारें होंगी, कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउस होंगे। तो इन सब लोगों को, उन संस्थानों को भी मदद करने की जरूरत है जो आने वाले समय में बंदी के कगार पर खड़े हो सकते हैं। और ये मैं मानता हूँ, मारवा साहब ने जो बात कही है कि अभी ये एक संकट का समय है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची हुई है, लेकिन आने वाला समय एक संभावनाओं भरा समय बन सकता है, लेकिन अभी तो दिक्कत है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले आपको चरणबद्ध योजना बनानी होगी। पहली तो ये कि तात्कालिक योजना क्या बनाए। तात्कालिक योजना तो लोगों को जिंदा रखने की है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार हो, वो चाहे पत्रकारिता से जुड़ा हुआ और वर्ग हो, उसको तो जरूर इतना संसाधन मिलना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। मुझे केवल इतना कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार सिंह जी। इस बात को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी RJS पॉजिटिव मीडिया की है।
और सरकार को संवेदनशील तरीके से कोरोना योद्धाओं को और तमाम मीडिया कर्मियों को देखना चाहिए। और जहां पर बड़े बड़े चैनल अलग धारा में बह रहे थे, वहां पर जो कोरोना काल में सोशल मीडिया ने भी अपनी पहचान बनाई और प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया का जिक्र भी किया। ऑनलाइन मीडिया जो नया उभरता हुआ मीडिया है उसने भी योगदान दिया है बिना किसी सहायता और किसी सपोर्ट के। तो ऑनलाइन मीडिया को मान्यता देने में सरकार बहुत टाइम लगा रही है उसको। ओंकारेश्वर पांडे जी को आमंत्रित करेंगे कि ओंकारेश्वर पांडे जी, चूंकि आपने अपने कार्यकाल में जब आप संपादक थे, आपने जो पत्रकार थे उनकी सैलरी को भी बढ़वा दिया था, बड़े मार्मिक तरीके से आपने संवेदनशील तरीके से जो काम कर रहे थे अपने संपादक के कार्यकाल में आपने बढ़ाया था। ऑनलाइन मीडिया को किस तरह से संरक्षण दिया जा सकता है ताकि वो सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ सकें और कॉन्फिडेंस के साथ देश में पत्रकारिता कर सकें। ओंकारेश्वर पांडे जी, अभी वो सो नहीं रहे, जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए तो हैं लेकिन सो नहीं कर रहे ना, वीडियो शो कर रहा है उनका ना ही ऑडियो शो कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो संदीप मारवा साहब आप इसमें बताएं कि ऑनलाइन मीडिया जो कि आपके यहाँ से पढ़े हुए लोग जो हैं वो अगर बड़े चैनल में नहीं लग पाते हैं तो अपना एक पोर्टल खोल लेते हैं या ऑनलाइन मीडिया यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक ट्रेनिंग का भी काम कर लेते हैं। तो संदीप मारवा जी आप जुड़े हुए हैं तो कुछ इस बारे में भी बताइए, क्योंकि भारी संख्या में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में यूट्यूब और पोर्टल के पत्रकार जुड़े हुए हैं, एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हिंदुस्तान के जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो देश की 6वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज हम लोगों ने जो टर्नओवर कर लिया है वो 2,35,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर ली है अब, और करीब इस वक्त 10 करोड़ आदमी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोविड की बात कर रहा हूँ, मतलब 60 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। और अभी इस महामारी के अंतर्गत में आप हैरान होंगे कि न्यूज चैनल जो टेलीविजन का एक न्यूज और करंट अफेयर हिस्सा है वो 40% ग्रो कर गया है, जबकि एंटरटेनमेंट को फीचर फिल्मों का बुरा हाल हो गया है क्योंकि 11,000 थिएटर बंद रहा है और करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान तोड़ चुके हैं हम लोग। दूसरी तरफ आ जाइए मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई जो गेमिंग है, गेमिंग जो आजकल एक नई इंडस्ट्री बनती चली जा रही है वो 700% ग्रो कर गई है, आप हैरान होंगे। रेडियो स्टेशन जो है वो 73% ग्रो कर गए हैं, ये महामारी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना है, आपका नाम ही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है तो इसके अंदर, इस पूरी महामारी के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढिए, कोई नई चीज होती नजर आएगी। सोशल मीडिया ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, अभी आप मीडिया जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी 2 दिन के अंदर ऑनलाइन के ऊपर डाली है। ये तो पता नहीं, हमें 12 तारीख को पता चल गया था कि 15 तारीख से लॉकडाउन होने जा रहा है, तो 12 तारीख को मैंने 2,500 बच्चों को छुट्टी कर दी, 3 दिन पहले इंस्टीट्यूशन की छुट्टी की और उनको बोला और रिपोर्ट बनाई कि आप सब जाइए, घर पहुंचिए, घर से अटेंडेंस दीजिए कि आप लोग पहुंच गए हैं। और मैंने 60 मेंटर अपॉइंट किए और एक एक बच्चे की रिपोर्ट आ गई कि एक एक बच्चा घर आसानी से पहुंच गया है। तो थोड़ी सी अकलमंद बनना पड़ा क्योंकि मुझे पता था 15 तारीख को बसें बंद हो जाएंगी, ट्रेनें बंद हो जाएंगी, हवाई जहाज बंद हो जाएंगे, तो ये बच्चा कहाँ से घर पहुंचेगा। तो वो 3 दिन पहले निकालना पड़ा अकलमंदी से अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो अब ये तो पहले मेरे को सेफ करना था सब बच्चों को, सब सेफ हो गए। उसके बाद 16 तारीख को हिंदुस्तान के 3 इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑनलाइन में आ गए, IIT, IIM और AAFT यूनिवर्सिटी, और हमने 5,000 बच्चों को करीब 6,500 क्लासों के जरिए और 28 वेबिनार, 7 सेशन सेमिनार के और करीब 40 इंटरव्यू के जरिए बच्चों की पढ़ाई जो है कल तक पूरी की है और आज ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो पॉइंट ये होता है कि समय के हिसाब से आपको चौकन्ना, चतुर और चालाक बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा और नए नए उपयोग शामिल करके आपको हर चीज को नया जरिया देना पड़ेगा।
अखबार जहां पे मार खाया, लेकिन ये मत भूलिए कि सारा अखबार जो है गुडविल नहीं लूज करने दी उन्होंने, सब अखबार जो है इन 60 दिन के अंदर छोटे से छोटा अखबार ऑनलाइन आ गया। अगर वो नई ईमेल भेज सकता तो वो व्हाट्सएप पे अपने 1000 कॉपी भेज रहा है। तो बदलाव आ रहा है, ये समय लगेगा, लोगों को चोट पहुंची है, दुख सबको हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर से कोई नई चीज निकल के आएगी। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज जरूरत पड़ी है, चोट लगी है, लोग दुखी हैं, तो दो काम होते हैं, एक तो नई इन्वेंशन होती है और एक ऐसी महामारी के अंदर जो परमात्मा है वो रूप बदल के धरती पे आता है, तो एक नई गाथा लिखी जाएगी। आप देखना मत भूलिए कि कुल आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के ऊपर सिर्फ 18 दिन का महायुद्ध हुआ था, इसे महाभारत कहा गया, और उसके पीछे लाखों किताबें छप गईं, हजारों लेख लिखे गए, हजारों पाठ लिखे गए, हजारों किताबें छपी। तो आज तो हमें 70 दिन हो गए हैं युद्ध लड़ते हुए, तो इसकी जो इसका जो प्रकोप निकलेगा, इसका जो 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 ज्वालामुखी फटेगा, वो आप हैरान हो जाएंगे कि जब 2021 का मार्च खत्म हो चुका होगा, अप्रैल के अंदर भारत एक नया भारत होगा, इतनी जागृति होगी, जोश होगा, लगन होगी, उम्मीद होगी, और परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं से लोगों की बढ़ेगी। पैसा तो देश के अंदर ही है, पैसा तो गायब नहीं हो गया है, पैसा वही है, यही पैसा, और भारत सरकार भी इसमें पैसा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने वाली है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले या नए नोट छापे, क्योंकि उसका असर होगा देश के ऊपर। और 2021 में, मैं तो मार्च तक की बात कर रहा हूं, अप्रैल के अंदर नए साल, नया जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें देश में एक नई जागृति आएगी, फिर से रौनक आएगी, फिर से लोगों की इनकम बनेगी, और काम जो आज आप देख रहे हैं, भले हमें 6-8-10 महीने बर्दाश्त करनी पड़ रही है, मुझे बड़ा दुख है, इन 27 सालों में पहली दफा मेरा स्टूडियो बंद है, आज 70 दिन, मैं आपको, मुझे आप जानते हैं कि मैं तो संडे के दिन भी अपने स्टूडियो में मिला करता था, और ओंकारेश्वर साहब तो मुझे संडे के दिन भी मिलने आ चुके हैं, मुझे याद है, और आज ये हाल है कि 70 दिन से मैंने अपने स्टूडियो की शक्ल नहीं देखी है, और 600 आदमी जो मार्च में मुझसे पूरी तनख्वाह लेके गया है, मैंने अपने जो निजी मेरे अपने सामान है, क्योंकि कोई कलेक्शन नहीं है, कोई पैसा कहीं से नहीं आ रहा, कोई बुकिंग नहीं है, उसके बावजूद भी 600 आदमी को मैंने मार्च में तनख्वाह दी, बंद होने के बाद भी 700, अप्रैल में मैंने तनख्वाह दी, और मई में मैंने खुद बुलाया, मैंने कहा आप लोग इतने साल मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपको वॉलंटरी जो लोग घर जा सकते हैं वो चले जाएं, क्योंकि फिर अगर मैं मेरा ये जहाज अगर डूब गया तो इसमें हम लोग सब डूब जाएंगे, फिर मैं किसी की आगे मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि मीडिया 600 में से कुछ ऐसे मीडिया कर्मी थे जो पहले महीने 100 लोग खुद वॉलंटरी जो है वो बोले कि साहब अब चिंता नहीं करिए, हम छुट्टी लेने को तैयार हैं और हमें तनख्वाह भी नहीं चाहिए, हमने इतना कमाया है पिछले 27 सालों में आपसे कि अगर हम 6-8 महीने घर चले भी गए तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली। तो मुझे भी आज जरूरत है, मुझे जरूरत है लोगों की सपोर्ट की। मैं अब हो सकता है कि आप टेबल की इस साइड की बात सुन रहे हैं इस वक्त, तो मई पूरा निकाल दी, अब अप्रैल पूरा निकाल दिया, मई का महीना है, मई का महीना पूरा निकाल रहा हूं अब, और इनकम का कोई जरिया नहीं है। और जहां तक कलेक्शन की बात आती है, सरकार ने ढोल पीट पीट के पेपरों में, रेडियो में, टेलीविजन में डाल दिया कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। भाई फीस देने की जरूरत क्यों नहीं है? जो बच्चा पूरी पढ़ाई पढ़ चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा पढ़ चुका है, वो पढ़ाई क्यों नहीं करेगा? और वो पिछला सेमेस्टर पूरा पढ़ लिया, ये सेमेस्टर पूरा तकरीबन पढ़ लिया, 6,500 क्लासेस जूम से पढ़ा दी, फैकल्टी पूरी मारा मारी है, इंस्टॉलमेंट जानी है, बसों की, जनरेटरों की, इक्विपमेंट की, बैंकों के लोन जाने हैं, बिल्डिंगों की, बैंकों के, और कोई बैंक का एक रुपया माफ नहीं हुआ, माफ करना, कोई एक रुपये की इंस्टॉलमेंट कहीं से माफ नहीं हुई अभी तक। तो सफरर जो है वो सब है आज की डेट के अंदर, ये जो गला घुट रहा है हर का कहीं ना कहीं अपने हिसाब से गला घुट रहा है। तो मैं समझता हूँ, नहीं मैं, मुझे खत्म कर लीजिए यहां से, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सहाद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। तो ये थोड़ा सा, क्या बात, मुझे लगता है थोड़ी सी हमें हिम्मत रखनी है, और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई निकलनी चाहिए, आज बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी,
अब तो बुनियादी मारवा जी, आपने आपने हिम्मत ही नहीं आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया है। बहुत ही आपने जो संबोधन दिया है वो निश्चित रूप से मार्गदर्शन है एक तरह से, और सपोर्ट सभी संस्थानों के मालिकों को भी करना चाहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी आपके साथ हैं। जैसे चमक के बिना मोती किसी काम की नहीं होती, उसी प्रकार आचरण के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं होता है। तो जिस तरह से मीडिया कर्मी कोरोना योद्धा हैं, आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं, और यहीं पे घोषणा कर देना चाहते हैं बीच में कि कोरोना योद्धा का जो आरजेएस का आरजेएस स्टार अवार्ड है, वो जो हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम होता है, जैसा माहौल होगा तो कोरोना योद्धा का जो आरजेएस स्टार अवार्ड है वो प्रदान किया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र वगैरह प्रदान किया जाएगा। आजकल अवार्ड भी ई अवार्ड हो गए हैं। जी ई अवार्ड हो गए हैं, लेकिन आरजेएस ने चूंकि कोरोना काल की समाप्ति जुलाई बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, एक फोरकास्टिंग की गई है इस तरह की, तो संभवतः हम लोग जो करेंगे वो शॉल के साथ और प्रशस्ति पत्र वगैरह के साथ जो है ना हम लोग सम्मानित करेंगे। तो मारवा साहब आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आपने मुझे याद है कि 2018 का 30 मई का वो दिन जहां 100 पत्रकारों को आपने आरजेएस का कार्यशाला करवाया था, आपके सानिध्य में हुआ था वो मारवा इंस्टीट्यूट में, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको। अब ब्रह्मानंद जी जुड़े हुए हैं, अगर जो विशेषज्ञ हैं, ब्रह्मानंद जी जुड़े हुए हैं आप? ब्रह्मानंद जी नहीं सर, सुन नहीं पा रहे वो। अच्छा ब्रह्मानंद जी नहीं जुड़े हैं। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर पांडे जी से ये जानना चाहेंगे। ओंकारेश्वर पांडे जी, आपने इतना कुछ सुना आरजेएस का जो है, जिस तरह से आज का हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है ऑनलाइन डिजिटल संगोष्ठी, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, इतना कुछ अब क्या बताना चाहेंगे ओंकारेश्वर पांडे? मैं एक तो मैं कुछ फिगर्स में संदीप मारवा जी के जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही सकारात्मक था, जो कि हमारे इस आरजेएस मीडिया के जो सकारात्मक पत्रकारिता का जो इसका मिशन है उसको सपोर्ट करता हुआ था। मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए स्ट्रेटजी बदली है, और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद से हम जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को और डिजिटल को अलग अलग करके देखते हैं तो वो एक थोड़ा सा हमें फर्क नजर आता है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था, 2019 मार्च की रिपोर्ट है वो, और वो कहती है कि 84,000 करोड़ का ये मीडिया एंटरटेनमेंट का बिजनेस हो गया है, एक बड़ा 84,000। उसमें वो जो मीडिया की बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया निश्चित रूप से डिजिटल मीडिया से अब पीछे रह गई है प्रोग्रेस में। डिजिटल मीडिया का जो शेयर है उसमें एडवर्टाइजिंग शेयर है वो 26% 26% के आसपास हो गया है, और प्रिंट का शेयर 21% रह गया है। लेकिन एक फर्क ये भी है कि ये बहुत से जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं और प्रिंट मीडिया के जो संस्थान हैं वो डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस नजरिए से देखें तो हमारे पास, सपोज करिए कि मैं एक अखबार निकालता हूँ, मैं अपने अखबार का रेवेन्यू काउंट करूं और हमारा ही उसी अखबार के थ्रू हमने डिजिटल पे अपने आप को शिफ्ट किया है, उसका रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, ये कैलकुलेशन अलग अलग नहीं किया जा रहा है। तो उस नजरिए से देखेंगे तो डिजिटल की पहुंच जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, बहुत तेजी से बढ़ी है निश्चित रूप से। अब मैं अनेक बड़े अखबारों को जिनका संस्करण हार्ड कॉपी भी पढ़ने में ढूंढ के लेना पड़ता था, मुश्किल होता था, वो अब डिजिटल अवेलेबल हो रहे हैं और पीडीएफ कॉपी सर्कुलेट हो रही है बहुत सारी जगहों पे। हालांकि इस पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि पीडीएफ सर्कुलेट करना चाहिए कि नहीं, उनके रेवेन्यू को नुकसान होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन डिजिटली उनका कंटेंट अवेलेबल है, डिजिटली सेल भी कर रहे हैं उसको। अब तो वो एक अखबार पढ़ने के लिए तमाम दुनिया के बड़े अखबार हैं जिनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मंथली या वीकली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। यही ट्रेंड धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं से जो यहाँ का मीडिया है, प्रिंट मीडिया जो डिजिटली कन्वर्टेड मीडिया है, उसको सपोर्ट प्रदान करेगा। और मैं जब आरजेएस मीडिया की जो चीजें देखता हूँ, गतिविधियां देखता हूँ, इसमें चूंकि बहुत सारे बड़े पैमाने पर छोटे छोटे वेबसाइट्स के लोग और छोटे छोटे शहरों के उससे जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह से उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उस चीज को समझें, उसको एडॉप्ट करें डिजिटल मीडिया के पावर को। और जैसे जैसे ये डाटा ड्रिवन है, हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं,
हम उस तरह से जब डाटा एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके सहारे जब इस डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि एक छोटे से शहर का भी छोटा सा खबर भी एक डिजिटल के थ्रू ग्लोबली पहुंच सकता है और पहुंच रहा है, पहुंच जाता है आज। तो एक तरह से वो है, और उसमें जो आरजेएस की भूमिका है, मैं उस पर निश्चित रूप से इसकी सराहना करना चाहूंगा कि सकारात्मक पत्रकारिता को आप बढ़ावा दे रहे हैं और उस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि जैसा मैंने अपने पिछले उसमें कहा था वक्तव्य में कि WHO तक ने यह कहा है कि पैनडेमिक के साथ डिसइंफोडेमिक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। तो डिसइंफोडेमिक ही एक ऐसा खतरा है जिसको सकारात्मकता के जरिए, तथ्यात्मकता के जरिए, फैक्ट्स के जरिए हम रोक सकते हैं और उसको बढ़ावा दे सकते हैं। मैं फिलहाल जी समय समाप्त हो रहा है तो ओंकारेश्वर पांडे जी, इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट के चीफ एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व संपादक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे सिम्स जो मनोविज्ञान की संस्था है उसके चेयरमैन सुनील मित्तल जी, डॉक्टर सुनील मित्तल जी जो कि डायरेक्टर भी हैं एशिया पैसिफिक वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, और अरविंद कुमार सिंह जी राज्यसभा टीवी के संसदीय मामलों के प्रमुख, आप सब जुड़े रहे, और अदिति टंडन जी द ट्रिब्यून की वरिष्ठ संवाददाता, आप सब लोग जुड़े रहे। और इसके साथ हमारे मध्य प्रदेश से और बिहार से, पश्चिम बंगाल से लोग जुड़े रहे आपको देखे, और 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया तक ये चीजें लिंक जो है शेयर हो जाएंगे। और अध्यक्षता जो है कर रहे थे हमारे आप के जो संस्थापक चेयरमैन हैं संदीप मारवा जी, जी संदीप मारवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील मित्तल जी कुछ कह रहे हैं आप? सुनील मित्तल जी आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिए। जी तो जैसे अभी कहा कि ये जो आपदा है इसको बहुत पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जैसा अभी सबने कहा कि अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं। हमने हेल्थ सेक्टर में देखा है बहुत चेंज आ गया, टेली मेडिसिन आ गई, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और जैसे कहा गया है शाखाएं रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखाएं रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे।